वीडियो में मैं आपको सूट की कटिंग करना बता रही हूँ कि आपका कोई भी साइज है, आप इस वीडियो को देखकर अपने सूट की कटिंग कर सकते हैं। मैं इसमें ये सब बताऊंगी कि आपको किस तरह से, किस साइज में कितना तीरा लेना है और किस साइज में किस तरह से आपको अपने मुड्ढे लेने हैं, वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप कोई भी कपड़ा जिसकी आप कटिंग करते हैं उस पर आप प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि प्रेस करने से हम सही से मेजरमेंट कर पाते हैं और हमारी सिलाई में भी बहुत ज़्यादा सफाई आती है। देखिए, ये सूट का कपड़ा है और इसको मैंने बीच में से फोल्ड किया हुआ है लंबाई की साइड से, यानी ये जो किनारी होती है ये हमारी लंबाई में आनी चाहिए, और इस तरह से आपको अपने सूट का कपड़ा फोल्ड करना है। इसके बाद सबसे पहले हम इसकी लंबाई देखते हैं, हमें अपने सूट की लंबाई कितनी रखनी है। तो जितनी हमें अपने सूट की लंबाई रखनी होती है उससे हमें 3 इंच ज़्यादा लेना होता है, मोड़ने के लिए नीचे और ऊपर तीरे की सिलाई के लिए। और अगर आपके पास कपड़ा कम है तो ये लंबाई आप थोड़ी सी कम भी रख सकते हैं, यानी इसको 2.5 इंच भी आप रख सकते हैं एक्स्ट्रा। तो देखिए, मुझे इसकी लंबाई 34 इंच रखनी है, तो 34 इंच हमारा यहाँ पर होता है और ये करीब करीब देखिए 3 इंच ही हमारा ये एक्स्ट्रा है, यानी ये मोड़ने के लिए और सिलाई के लिए। इसके बाद हम सबसे पहले इसकी चौड़ाई देखते हैं कि हम अपने सूट की चौड़ाई कैसे लेते हैं। तो जितने हमारे हिप होते हैं उसका 1/4 हिस्सा जमा 2 इंच, इस तरह से हम इसकी चौड़ाई लेंगे। तो जैसे हमारे हिप 36 इंच है तो 36 का 1/4 हिस्सा हुआ 9 इंच, और उसमें 2 इंच हम प्लस करेंगे तो इस तरह से होता है हमारा 11 इंच। तो देखिए 11 इंच हमारा यहाँ पर है, तो हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये हमारा 11 इंच होना चाहिए इस तरह से फोल्ड करके, यानी टोटल हमारा 22 इंच होना चाहिए। और इसके बाद सबसे पहले हम अपने तीरे का निशान लगाएंगे। तो तीरे के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप दुबले पतले हैं तो आपका तीरा कम होगा और आप हेल्दी हैं तो आपका तीरा ज़्यादा होगा, बल्कि ये डिपेंड करता है कि आप गले कैसे पहनते हैं, यानी कितने चौड़े पहनते हैं और कितने गहरे पहनते हैं। जैसे आपके गले की चौड़ाई 3 इंच है और आप पीछे के गले की गहराई 6 इंच या 6.5 इंच तक रखते हैं तो आप अपना तीरा 7 इंच रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पीछे के गले की गहराई 6.5 इंच से ज़्यादा है, जैसे 8 इंच या 9 इंच, तो आप अपना तीरा 6.5 इंच से 6 इंच तक रख सकते हैं। लेकिन अगर पीछे के गले की गहराई 9 इंच से भी ज़्यादा है तो आप अपना तीरा 5.5 इंच तक रख सकते हैं, क्योंकि आगे के गले की गहराई इसमें ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि आगे के गले की गहराई हम एक लिमिट तक ही रख सकते हैं। क्योंकि अगर हम अपने गले की चौड़ाई और गहराई ज़्यादा लेते हैं और हमारा तीरा भी ज़्यादा होता है तो हमारे शोल्डर गिरते हैं। और जैसे देखिए, कुछ लोग 2.5 इंच तक अपने गले की चौड़ाई रखते हैं, और अगर आप जैसे 2.5 इंच के गले पहनते हैं तो अगर 2.5 इंच के गले में पीछे के गले की गहराई थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है और आपका तीरा 7 इंच तक भी है तो भी आपके शोल्डर नहीं गिरेंगे, क्योंकि यहाँ से इसकी चौड़ाई काफ़ी कम है तो ये अपनी जगह रहता है, और अगर इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है तो हमारे शोल्डर गिरते हैं। तो अगर आप चौड़ाई में गले छोटे पहनते हैं और उसकी गहराई थोड़ी ज़्यादा भी हो जाती है तो आप 7 इंच तक तीरा रख सकते हैं। और मैं समझती हूँ ये जो तीरा लेने का तरीका है ये आपको समझ आ गया होगा। और इसके बाद हम अपने तीरे का निशान लगाते हैं, तो मुझे 7 इंच रखना है, ये निशान हम 7 इंच पर लगाएंगे। और इसके बाद हम अपने मुड्ढे यानी आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो देखिए, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि किस साइज में कितना हमें अपना आर्म होल रखना है। अगर आपकी चेस्ट 28 इंच से 32 इंच तक है तो आपको अपना आर्म होल 6.5 इंच रखना है, और अगर आपकी चेस्ट 34 इंच है तो आपको अपना आर्म होल 7 इंच रखना है। और अगर आपकी चेस्ट 34 इंच से ज़्यादा है, यानी कितनी भी ज़्यादा है, तो आपको अपना आर्म होल केवल 7.5 इंच रखना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखना है। तो मुझे अपना आर्म होल ये 7.5 इंच रखना है, तो ये निशान हम 7.5 इंच पर लगा रहे हैं, और यहाँ से इसको इस तरह से मिलाएंगे। और अब देखिए, यहीं से इसके सामने से हम अपनी चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो जितनी हमारी चेस्ट है उसका 1/4 हिस्सा हमें रखना है। जैसे हमारी चेस्ट 36 इंच है तो ये निशान हम 9 इंच पर लगाएंगे इस तरह से।
इसके बाद हम यहीं से एक निशान 7 इंच पर लगाएंगे जो हमारी कमर के लिए होगा, और एक निशान हम 13.5 इंच से 14.5 इंच तक आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, ये हमारे हिप के लिए होगा। और ये डिपेंड करता है कि आप कैसे चाक पहनते हैं, छोटे पहनते हैं या बड़े पहनते हैं। तो ये निशान मैं 14 इंच पर लगा रही हूँ। और इसके बाद जो हमने कमर के लिए निशान लगाया है वहाँ पर हम अपनी कमर का नाप लगाएंगे। तो देखिए जैसे हमारी कमर 32 इंच है तो यहाँ पर भी हम उसका चौथा हिस्सा लेंगे, यानी उसका चौथा हिस्सा हुआ 8 इंच। तो यहाँ एक निशान हम 8 इंच पर लगाएंगे। और इसके बाद जो निशान हमने अपने हिप के लिए लगाया है वहाँ पर हम अपने हिप के लिए निशान लगाएंगे। जैसे हमारे हिप 36 इंच है तो यहाँ पर भी हम चौथा हिस्सा लेंगे, यानी 9 इंच पर ये निशान लगाएंगे। और इसके बाद देखिए इन निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे। इस निशान को देखिए इस तरह से हम सीधा कर देंगे। और इसके बाद देखिए ये जो हमारा आर्म होल के लिए निशान लगा है यहाँ पर हम 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसको इस तरह से गोलाई देंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ से 1.5 से 2 इंच इस तरह से करके हम निशान लगाएंगे। देखिए जो हमारा ये हिप के लिए निशान है यहाँ से हम कटिंग के लिए 1 से 1.25 इंच तक रख सकते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर मैंने 1.5 से 2 इंच रखा है तो यहाँ पर हम थोड़ा कम रखेंगे, क्योंकि जब हम इसको मोड़ते हैं अगर ये ज़्यादा होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको यहाँ से थोड़ा सा कम रखें। और इसके बाद देखिए हमारा ये जो मुड्ढों के लिए निशान है इसको हम यहाँ पर मिला देंगे इस तरह से। और इसके बाद हम अपने आगे के मुड्ढों के लिए निशान लगाएंगे जो हम गहराई देंगे उसके लिए। तो यहाँ पर 1/2 इंच की इस तरह से एक लाइन खींचते हैं और इसको देखिए इस तरह से हम यहाँ से यहीं पर रखेंगे, ऐसे मिला देंगे। और फिर देखिए इस तरह से यहाँ से हम यहीं पर रखेंगे, यहाँ से इस तरह से निशान लगाएंगे जो हमारा आगे के मुड्ढों की गहराई के लिए होगा। और देखिए इसके बाद जैसे हमें अपने गले की चौड़ाई 3 इंच रखनी है तो एक निशान हम 3 इंच पर लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से देखिए मुड्ढों की साइड हल्की सी इस तरह से शेप देंगे। और जो हमारा गले के लिए निशान है यहाँ पर एक कट लगाएंगे। और इसके बाद हम यहीं से इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम पीछे के हिस्से की कटिंग करेंगे, यानी ये जो हमारी गहराई है इसकी कटिंग हमें अभी नहीं करनी है। और ये कटिंग करने के बाद हम देखिए पीछे का हिस्सा अलग कर लेते हैं। और इसके बाद देखिए मैंने पीछे का हिस्सा अलग कर दिया है और अब हम आगे के मुड्ढों की कटिंग करते हैं। और इसके बाद हम पीछे के गले की कटिंग करते हैं। चौड़ाई के लिए हमारा निशान लगा हुआ है और इसकी गहराई मैं 5 इंच रखूंगी, और यहाँ पर भी एक निशान 3 इंच पर लगाएंगे और इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे और इसको इस तरह से गोलाई देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। के बाद जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसमें से देखिए मैं बाजू के लिए कपड़ा निकाल रही हूँ। इसको मैंने खोल लिया इस तरह से और इसको इस तरह से फोल्ड करके मैं इसमें से बाजू के लिए कपड़ा निकाल रही हूँ। और देखिए इसमें से मुझे आधी बाजू निकालनी है और इसको मैंने इस तरह से बीच में से फोल्ड कर लिया है। और आधी बाजू या पूरी बाजू बिल्कुल एक ही तरह से कटती हैं, केवल लंबाई का फर्क होता है। जैसे मुझे अपनी बाजू की लंबाई 5 इंच रखनी है तो 1.5 से 2 इंच हमारा मोड़ने के लिए और इधर मुड्ढों की सिलाई के लिए होता है। और बाजू की चौड़ाई जितने हमारे मुड्ढे होते हैं उससे 1.5 इंच ज़्यादा लेनी होती है। जैसे हमारे मुड्ढे 7.5 इंच हैं तो उससे 1.5 इंच ज़्यादा हुआ 9 इंच, तो ये मैंने 9 इंच लिया है यहाँ से। और इसके बाद देखिए खुली साइड हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान से यहाँ पर इस तरह से एक निशान लगाएंगे ऊपर तक। और देखिए इसके बाद जैसे हमारी बाजू की तैयार लंबाई 5 इंच है तो हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और इसको देखिए इस तरह से यहीं तक हम इस तरह से मोड़ देंगे।
और फिर हम अपनी बाजू की चौड़ाई लेंगे। जैसे हमारी बाजू की चौड़ाई 12 इंच है तो उसके आधे हिस्से पर निशान लगाएंगे, 6 इंच पर एक निशान इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पर भी 1.5 से 2 इंच कटिंग के लिए होगा और इस निशान को हम इस तरह से मिला देंगे और फिर हम इसकी इस तरह से कटिंग करेंगे। और यहाँ पर एक कट लगाएंगे ताकि हमें आइडिया रहे। ये हमारा देखिए इतना हिस्सा हमारा ही मुड़ेगा अंदर की साइड। और इसके बाद हम बीच में एक यहाँ पर कट लगाएंगे और यहाँ से हम आगे के हिस्से को इस तरह से गहराई देंगे 1/2 इंच की करीब करीब और इसकी कटिंग कर देंगे। और इस तरह से हमारे सूट की कटिंग पूरी हो जाती है और उम्मीद करती हूँ आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।